So hello everyone, this is Praveen Patwari live from Actuators Kolkata and this short video I'm recording क्योंकि मेरे को बहुत सारे queries आ रही हैं कि सर IAI का student membership कैसे लेना है. तो मैं आपको आज सिखाऊंगा कि IAI का student membership कैसे लेना है अगर आपने ACET February में clear किया है या फिर अपने previous terms में ACET clear किया है तो. So देखिए आपको student tab में जाना है and आपको admissions में जाना है. ये Institute of Actuaries of India का website है and यहाँ पर जाके आपको एक अनाउंसमेंट फॉर ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस का ये पीडीएफ है जिसमें सारी की सारी आपकी जो आपको करना है कि आपको सबसे पहले एडमिशन टैब में जाना है, स्टूडेंट मेंबरशिप फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, ओटीपी आएगा, फिर आपको कुछ वो लोग अटेस्ट करने बोलेंगे जिसमें सीए, सीडब्ल्यूए, गैजेटेड ऑफिसर एक्चुअली अटेस्ट करके दे सकता है एंड आपको क्या क्या चीज़ अपलोड करना है एंड द डेट ऑल्सो दे हैव मैंशनड In order to appear for June 2020 examination, the last day to register online and upload the documents is 9th April 2020. The fees is 4,000 rupees. So they have mentioned everything. कि आपको कौन-कौन सा documents लगेगा वो भी देख सकते हो. Date of birth लगेगा, ID proof लगेगा, 10 का marksheet, 12 का marksheet. अगर आपका नाम रोहन से सोहन हो गया तो उसका name change document भी लगेगा. और अगर आप married हो तो आपका marriage certificate भी लगेगा. So आपको ये सारा जो है अटेस्ट करवा लेना है एंड किन किन लोगों से आप अटेस्ट करवा सकते हो वो भी इन्होंने दिया है. सो ये आपको मैंने पीडीएफ दिखा दिया एंड आपको जो स्टूडेंट मेंबरशिप फॉर्म है आप देख सकते हो दो टाइप का स्टूडेंट मेंबरशिप फॉर्म है. आपने अगर एसेट के रूट से क्लियर किया है स्टूडेंट, आपने अगर एसेट क्लियर किया है एंड फिर आप स्टूडेंट मेंबरशिप लेना चाहते हो तो दिस इज द मेथड. जो स्टूडेंट मेंबरशिप फॉर्म है आपको क्लिक करना है तो यहां पर से आपका सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. सो दिस इज अ वेरी शॉर्ट वीडियो कि आपको IAI का स्टूडेंट मेंबरशिप कैसे लेना है. And if you have any queries, then you can reach me. You can comment on this video or you can contact me at 8100-598-543. Thank you.